Hello parents, welcome back to our channel YoYo Kids. I hope you all are doing good. In my last video of parenting, हमने डिस्कस किया था 3 to 5 years के बच्चों का milestones और उनका development. आज मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what do preschoolers should eat? कितना उनको देना चाहिए हमें एक दिन में and most important how to inculcate eating habits, good eating habits in them. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। नाउ अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है 3 to 5 इयर्स वाली जो एज होती है अब बच्चा सेल्फ फीड करने के लिए रेडी हो जाता है। अब अपने आप बच्चा खा सकता है विदाउट मेकिंग टू मच ऑफ द मेस। बट ऑफकोर्स उन्हें अभी आपकी हेल्प की जरूरत है। जब उन्हें कुछ चीज ऐसी देनी होती है तो आप उनको कट करके दीजिए, स्मॉल बाइट्स में दीजिए, या कोई अगर आप हॉट डिश उनको सर्व कर रहे हैं लाइक सूप तो आप उनकी उनको हेल्प करो उनको फीड करने में। अभी वो इतने बड़े भी नहीं हुए कि वो खुद कर लें, बट नाउ दे आर रेडी टू सेल्फ फीड। अगर आप जैसे रोटी दाल सब्जी दें तो आप उनको बाइट्स में तोड़ के दे सकते हैं एंड दे कैन फीड देमसेल्फ इजीली। या कोई फ्रूट भी आप दे रहे हैं तो आप उनको कट करके पीसेस में दे दीजिए एंड कीप इन माइंड कि वो पीसेस छोटे होने चाहिए और वो इजीली आप वो आराम से खा सकते हैं। अब आपका बच्चा इज रेडी होता है कि अब आप उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा सकते हैं। आई मीन टू से कि अब आप वो बच्चा वही चीज खा सकता है जो आप लोग खाते हैं डेली में। अब उसके लिए आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब आप जो दाल रोटी चावल आप खुद अपने लिए बना रहे हैं वही बच्चे को भी आप दे सकते हैं। अब इस टाइम पर उनके फूड प्रेफरेंसेस बनना भी स्टार्ट हो रहे हैं, क्या उन्हें पसंद आएगा क्या नहीं, और इवन ईटिंग हैबिट्स, दोनों चीजें साइड बाय साइड स्टार्ट हो रही हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको अच्छी आदतें डालनी बतानी ही नहीं है, आपको डेली में प्रैक्टिस भी करनी है। जितना फैमिली के साथ उनको खिलाइए खाना और जितनी प्रैक्टिस फैमिली के साथ वो देख कर सीखेंगे उतना वो अकेले में सिर्फ आप उनको बताएंगे कि ये करना है तो बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा देखने से और ऑब्जर्व करने से ज्यादा सीखता है। जैसा वो देखेगा कि उसके पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं, सिबलिंग्स कैसे कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं, उसी तरीके से बच्चा भी डाइनिंग टेबल पे बिहेव करेगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना ईटिंग हैबिट्स को सही तरीके से बच्चे के सामने लेकर आए। सेकेंड थिंग मैं बताऊंगी कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी। ये नहीं कि 2 दिन आपने अच्छे से किया, सबने सब चीजें ली, सही से बिहेव किया डाइनिंग टेबल में तो वो हो गया बच्चे के लिए। इसमें रेगुलर रहना है आपको, क्योंकि जैसे ही आपने अगर कोई चीज गलत ऑप्ट करी डाइनिंग टेबल पे तो वो बच्चा जल्दी से पिकअप कर लेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, बच्चा क्योंकि प्रेफरेंसेस और हैबिट्स बना रहा है ध्यान रखिए। अब आप कहते हैं कुछ पेरेंट्स मुझसे कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा वो नहीं खाता, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी बच्चे के टेस्ट डेवलप हो रहा है, अभी डेवलप हुआ नहीं है, अभी डेवलप हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो उनको पसंद नहीं आता। अभी आप उनको सब चीज दीजिए, वेजिटेबल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो आप सब उनको दीजिए और वो आज उन्हें पसंद नहीं आएगा कल उन्हें पसंद आ जाएगा, ठीक है? तो इस बात की टेंशन मत लीजिए आप, और उनको डेली हर चीज आप उनको दीजिए। उनके टेस्ट बर्ड्स अभी डेवलप हो रहे हैं और अगर वो अभी से सब चीजें खाना स्टार्ट कर देंगे तो वो आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग आता है कि हाउ मच शुड माई प्री स्कूलर ईट। ये ममाज की प्रॉब्लम बहुत होती है कि मेरे बच्चे का पेट भर गया क्या या नहीं भरा, उसको और खिलाते रहिए, ऐसा नहीं करना है। कभी भी बच्चे को फोर्स मत कीजिए कि खाने के लिए, जितना उसने खा लिया है अगर वो मना कर रहा है तो आप उसको एक्स्ट्रा मत दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी डाइट कंप्लीट नहीं हुई तो आप उसको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दे दीजिए, बट एकदम से फोर्स ईटिंग उसको मत कहिए। बच्चे को सिलेक्ट करने दीजिए कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और कितना खाना है वो भी उसी पर डिपेंड करता है, पर क्या आपको देना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको हेल्दी फूड दे रहे हैं या अनहेल्दी फूड दे रहे हैं, ओके? पर खाना कितना है और क्या चीज खानी है ये आप बच्चे को पिक करने दीजिए खुद। यंग बच्चे अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनका बिहेवियर हमें नहीं पता होता है, वो आज कुछ बिहेव कर रहे हैं कल कुछ और बिहेव कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आज आपने आज एक सब्जी उनको दी, उन्होंने आज वो रिजेक्ट कर दी, मे बी 2 दिन बाद वही सब्जी उनको या वही डिश उनको टेस्टी और यमी लगने लगेगी। सो लिटल्स आर दे आर जस्ट लर्निंग, तो आपको उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। नेवर गिव अप, मम एंड डैड दे शुड नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग सर्व टू सर्व योर फूड।
क्या कर सकते हैं आप, उसको फॉर्म उसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने आज मैश पोटैटो दिए, कल आप उसको पैटी की फॉर्म में या टिक्की की फॉर्म में दे सकते हैं अगर उन्हें पसंद नहीं है। इवन व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर माय चाइल्ड, कि उसको रोटी नहीं पसंद आती थी, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था रोटी, तो मैंने उसको, आप शेप्स उसको काट के दे दीजिए, लाइक कोई एलिफेंट की शेप बना दीजिए या किसी और की फॉर्म में आप उसको सेक कर दे दीजिए, तो बच्चे बहुत एकदम से उन्हें बहुत अच्छा सा लगता है कि वाह व्हाट इज दिस, एंड शी स्टार्ट ईटिंग। उसके बाद 2-3 डेज मैंने बनाई वो, उसके बाद शी स्टार्टेड ईटिंग रोटीज। तो आप उसकी फॉर्म चेंज कर दीजिए और वो बच्चा उस चीज को, जैसे ही आप उसके सामने कुछ नई चीज लगेगी, अपीलिंग लगेगा, तो वो उसको खाना स्टार्ट कर देगा। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द रिकमेंडेड अमाउंट फॉर प्री स्कूलर्स, प्री स्कूलर्स को कितना देना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 फूड ग्रुप्स होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज सीरियल्स। सीरियल्स में हमारा आ जाता है रोटी, चावल, दलिया, ये सब चीजें आ जाती हैं। दूसरा होता है हमारा पल्सेस। पल्सेस में हमारी सारी दालें, उसके बाद राजमा, छोले, सोयाबीन, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव फ्रूट्स। फोर्थ वन इज वेजिटेबल्स। फिफ्थ इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सिक्स्थ वन इज शुगर एंड सेवन्थ वन इज फैट्स एंड ऑयल्स। तो 5 जो ऊपर के होते हैं वो दे आर मेन होते हैं। तो हम आज उनको डिस्कस करते हैं कि आपको कितना कितना एक दिन में बच्चे को देना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल्स की। जैसा कि आप जानते हैं सीरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस एज ग्रुप को सीरियल्स 100% आपको देना ही देना है। सीरियल्स की 3-4 servings इन अ डे आपको देनी है। अब हम बात करते हैं एक सर्विंग की। एक सर्विंग में आता है, अगर हम चपाती या ब्रेड स्लाइस दे रहे हैं 3 साल के बच्चे को, तो एक आप दे सकते हैं। और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं 5 साल तक, आपको आप उन्हें 2 slices ऑफ ब्रेड या 2 चपाती आप इजीली उनको दे सकते हैं। अगर आप उन्हें राइस या दलिया दे रहे हैं, तो छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को आप उन्हें स्मॉल बोल में दे सकते हैं। और जैसे बच्चे बड़े हो जाएं 5 साल तक, आप उनको मीडियम साइज बोल में दे सकते हैं एक सर्विंग में। नेक्स्ट वी हैव पल्सेस। पल्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर प्रोटीन, गुड प्रोटीन सोर्स। और वेजिटेरियन डाइट में पल्सेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही एक प्रोटीन सोर्स रह जाता है। और इस टाइम पर बच्चों का जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो दे नीड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। पल्सेस की हमें 3-4 कप कुक पल्सेस हमें उनको देनी है, दैट इज 120 ग्राम। और एक सर्विंग होती है एक दिन में, तो इतना हमें उनको दाल हमें देना ही चाहिए। अगर आप सीरियल्स और पल्सेस के कॉम्बिनेशन को देंगे, जैसे खिचड़ी हो जाता है या दाल और दलिये को मिक्स करके, अगर आप इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन बनाए, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है बच्चों के लिए, उनके न्यूट्रिएंट्स को देखने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है, वो जो कॉम्बिनेशन होता है उससे वो पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स अगर आप दे रहे हैं उन बच्चों को, तो 1/4 प्लेट कुक वेजिटेबल आपको देनी है, एक सर्विंग ही देनी है। और एक सर्विंग में आता है 1/4 प्लेट कुक्ड वेजिटेबल। अब हम नेक्स्ट आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट्स और वेजिटेबल, विटामिन्स और मिनरल्स हमें इन्हीं से मिलते हैं, और इनकी जो इम्यूनिटी होती है, बूस्टअप होती है, वो इन्हीं से होती है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेली आपको देना ही देना है बच्चों को। कई बच्चे होते हैं जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, बट ट्राई गिविंग देम, आज नहीं तो कल दे विल ईट इट। ओके, फ्रूट्स हमें एक सर्विंग होती है आपको, या एक मीडियम साइज एप्पल या बनाना आप उसमें दे सकते हैं, या अगर आप उनको कट फ्रूट्स दे रहे हैं लाइक वाटरमेलन और पपाया, तो आप अराउंड 150 ग्राम उनको एक दिन में दे सकते हैं। एंड लास्ट इज मिल्क। मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क तो हमें उनको देना ही चाहिए। एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क इन अ डे इज रिकमेंडेड, दैट इज 500 ml इन अ डे। इतना तो आपको देना ही है बच्चे को मिल्क। अगर वो बच्चा कभी कभार खाना कम खाते हैं ये, तो हम मिल्क उन्हें बढ़ा भी सकते हैं। एक बात और बताना चाहूंगी मिल्क के लिए, मिल्क आप उनको प्लेन दीजिए, वो बेस्ट रहता है उनके लिए। कुछ भी आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही फिर उनकी हैबिट बन जाती है। नॉट इवन शुगर, कभी कभार आप शुगर मिला रहे हैं सो दैट्स ओके, बट अगर आप कुछ भी उसमें ना मिलाएं, प्लेन मिल्क अगर आप उनको दें, तो दैट इज बेस्ट फॉर देम। मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड इन इटसेल्फ, तो आपको उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, क्या कुछ ऐसा भी होता है जो हमें अभी बच्चों को नहीं देना चाहिए? इज देयर एनी फूड विच वी शुड अवॉइड गिविंग देम? तो आई विल से यस, क्योंकि अभी बच्चा जब खाना खाता है तो वो थोड़ा बहुत
भागने दौड़ने में भी लगे रहते हैं तो, या अपना गेम में भी लगे रहते हैं, तो उनको चोक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ऐसे फूड्स नहीं देने चाहिए जो उनको चोक कर जाएं, ठीक है। जैसे कि स्लिपरी फूड्स होते हैं, कुछ फूड्स जो जैसे ही हम टंग पे डालते हैं दे गेट स्लिप डाउन, यहाँ पे एकदम से हमारे आ जाते हैं, थ्रोट में आ जाते हैं, तो वो चोक कर सकते हैं बच्चों को। तो ऐसे फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि ग्रेप्स। इसी तरह जो हार्ड फूड्स होते हैं जैसे नट्स वगैरह, तो वो भी अभी हमें अवॉइड करने चाहिए, वो बच्चे के गले में फंस सकते हैं। एंड इवन स्टिकी फूड्स, कुछ फूड्स होते हैं जो यहाँ पे टीथ में या गम्स में स्टिक कर जाते हैं, तो बच्चा उससे इरिटेटिंग फील करता है, तो ऐसे फूड्स अभी हमें अवॉइड करने चाहिए। और दूसरी बात, जो भी आप दें उनको कट करके स्मॉल पीसेस में दें, वो उनके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट ईटिंग हैबिट्स की, कैसे हम ईटिंग हैबिट्स बच्चों की इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है वेराइटी, फर्स्ट थिंग। जब तक आपके फूड में जो भी मील आप उनको दे रहे हो उस पर वेराइटी होनी चाहिए। अब हम वेराइटी कैसे कर सकते हैं, जैसे एक मील में जब आप उन्हें लंच या डिनर सर्व कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 4 फूड ग्रुप्स अगर आप इंक्लूड कर दें तो वेराइटी को अपने आप हो जाएगी। या आप स्नैक्स में दे रहे हैं तो उसमें 2 फूड ग्रुप्स एटलीस्ट आने चाहिए। इससे क्या होता है, जब बच्चे की आप उसको प्लेट देंगे तो उसमें शी कैन फाइंड अ वेराइटी ऑफ फूड्स एवरीवेयर। जैसे कि आप उन्हें डिनर या लंच के लिए दे रहे हैं तो उसमें रोटी, दाल, सब्जी और सैलड दे सकते हैं या रायता दे सकते हैं। तो इससे 4 फूड ग्रुप्स आ गए अपने आप ही और प्लेट में वैरायटी आ गई, इट विल लुक मोर अपीलिंग। तो ये बच्चे उससे उनका अपने आप ही टेस्ट बन जाता है फिर खाने के लिए। नेक्स्ट इज रेनबो, ट्राई रेनबो। जैसे कि हमारे पास इतने नेचुरल फ्रूट्स हैं तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, डेली आप अलग अलग कलर का फ्रूट्स आप उन्हें दें, बच्चे उससे ज़्यादा इंकरेज होते हैं ईटिंग के लिए, ठीक है। आप उन्हें बताइए जैसे 7 डेज हैं तो आप 7 कलर्स अलग अलग दिन अलग अलग फ्रूट दीजिए। ये एक तरीका है बच्चों को फ्रूट्स खिलाने का। जैसे मंडे इज फॉर रेड, से दैट कि रेड फ्रूट्स हम खाएंगे मंडे, ट्यूजडे वील हैव ग्रीन लाइक गुआवा वील हैव ऑन ट्यूजडे। इस तरीके से अगर आप कुछ कोई ट्रिक अपनाएंगे तो बच्चे सारे फ्रूट्स खा लेंगे और उनकी रेनबो ईटिंग कंप्लीट हो पाएगी, कलरफुल हो पाएगा उनका, और फ्रूट्स खाएंगे तो ऑब्वियसली दे आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। नेक्स्ट मैं कहूँगी कि फैट गो लो फॉर फैट, सैचुरेटेड फैट्स थोड़ा उनको कम ही दीजिए और ट्रांस फैट्स जैसे बटर होता है वो उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जैसे लॉकडाउन चल रहा है अभी, सब बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो लोग सब घर पे ही बैठे हुए हैं अभी। तो इस टाइम पर उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है और गेम्स हैं वो थोड़ा कम हो गया है, इसलिए भी और वैसे भी बच्चे आजकल क्या है, एक्टिविटी कम हो रही है बच्चों की, तो आप फैट ज़्यादा मत दीजिए उन्हें, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। और उनको आपको दिख रहा है अगर बच्चा ओवरवेट हो रहा है तो आप फैट रिड्यूस कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि जैसे मिल्क के पैकेट्स आते हैं रेड और ब्लू मिल्क पैकेट, तो उनमें न्यूट्रिएंट में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ फैट कंटेंट में फर्क होता है। अगर आप उसको लो क्रीम वाला दे रहे हैं या फुल फैट क्रीम वाला दे रहे हैं दूध, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स दोनों में सेम होते हैं, इट्स जस्ट कि फैट कंटेंट उसका ज़्यादा होता है और उसका कम। तो ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें फुल फैट क्रीम वाला ही दूध देना है। आप अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज करते रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वाटर इज बेस्ट फॉर किड्स, पानी आप उनको ज़रूर दीजिए और ज़्यादा अमाउंट में दीजिए, एटलीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ वाटर उनको एक दिन में दे पीना ही पीना होता है। कभी कभार क्या होता है कुछ बच्चे जैसे पानी पीना शुरू करते हैं तो उनको फ्लेवर नहीं पसंद आता, तो आप उसमें लेमन या कुकुम्बर ये 2 चीज आप डाल सकते हैं जस्ट फॉर द फ्लेवर, जब बच्चा पीने लग जाए उसके बाद आप प्लेन वाटर उसको दे सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जैसे जूसेस हम देते हैं तो आप उन्हें प्लेन जूस दीजिए और एक दिन में 1 glass से ज़्यादा जूस मत दीजिए। जूस में ऑलरेडी शुगर होता है तो उसमें कुछ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू ऐड एनी शुगर इन इट। अगर आप शुगर डाल रहे हैं तो उसकी कैलोरी आप ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं और जूस की वैसे ही होती है, और 1 glass से जूस ज़्यादा आप दीजिए मत। और उसके बाद भी मैं यही कहूँगी फ्रूट्स अगर आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो वो बेटर रहेगा, फ्रूट्स में जैसे फाइबर अपने आप आ जाता है तो बच्चे का वेट सही रहेगा हमेशा। बट आप अगर जूस की प्रैक्टिस आप डाल देंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, फ्रूट्स आर बेटर, जिससे उनकी च्यूइंग पावर ये सब गम्स पावर ये सब इम्प्रूव होगी फ्रूट्स खाने से। जूस में क्या होता है, जूस एकदम से बच्चा पी लेता है उससे पेट भी नहीं भरता, ठीक है, और डाइट भी नहीं हो पाती उनकी,
और फाइबर भी नहीं जाता, तो जूस का इतना कोई अच्छा रोल नहीं होता है। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट पे कि कैसे हम उनके गुड ईटिंग हैबिट्स हम बच्चों में डाल सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि बच्चा किन से सीखता है, जो सबसे उनके क्लोजेस्ट होता है, लाइक मम्मा एंड पापा। तो मम्मा एंड पापा सबके उनकी पहले ईटिंग हैबिट सही होनी चाहिए, तभी बच्चा उनसे वो चीज सीखेगा, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, वो आपसे ही सीखेगा। जैसा आप बिहेव करेंगे डाइनिंग टेबल पे वैसा ही बच्चा करेगा। फर्स्ट थिंग इज सिट डाउन एट द डाइनिंग टेबल टुगेदर। फैमिली को हमेशा एक साथ खाना खाना चाहिए। खाना खाते टाइम नो टीवी, नो मोबाइल्स एंड नो टॉयज, ये सबको मना कर दीजिए, बिल्कुल भी वहां नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, उसकी फीडिंग डिस्ट्रैक्ट होती है, उसे खाने में टेस्ट नहीं आता, उसे समझ नहीं आता मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ। खाने का टाइम हमेशा प्लीजिंग और रिलैक्सिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पर फैमिली बैठी हुई होनी चाहिए, दे शुड बी टॉकिंग अबाउट हेल्दी टॉपिक्स, ठीक है। और उसे आराम से बच्चे को टाइम दीजिए, च्यू करने का टाइम दीजिए। अगर बच्चा मील टाइम में 30 मिनट्स तक लगा रहा है तो ठीक है, उसके बाद आप टेबल क्लीन कीजिए। 30 मिनट्स तक अगर वो खाने में लगा रहा है तो उतना आप दे सकते हैं उसको। नेक्स्ट आती है सर्व स्मॉल पोर्शंस। बच्चे को हमेशा थोड़ा थोड़ा अमाउंट दीजिए प्लेट में, जिससे कि उसकी हैबिट बने कि जितना उसको प्लेट में दिया है वो फिनिश कर सके। अगर उसको और भूख लग रही है तो वो और आपसे मांग सकता है, बट जितना प्लेट में दिया हो उतना फिनिश करना उसको आपको बताना चाहिए, उतना आपको फिनिश करना है। छोटे बच्चे को हमेशा इनकरेज करने रहना चाहिए, उसको अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, जैसे कि बाद में खाना खाने के बाद इन क्लीनिंग या अपना यूटेंसिल्स रखने आने में, अपनी प्लेट खुद रख के आने के किचन में। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप अभी से बच्चों में डाल सकते हैं, वो बाद में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप कुछ ऐसी प्रिपरेशन बना रहे हैं जहाँ बच्चा आपकी हेल्प कर सकता है तो आप उसको इन्वॉल्व कीजिए, उससे उसका फूड में, वैरायटी में, सब में, खाने में भी, ईटिंग में भी उसका ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा इन सब चीजों से। तो जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसको अपने बच्चे को उसके साथ अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कुकिंग एंड क्लीनिंग टुगेदर इज बेस्ट। ओके, इसके बाद उनके लिए आप अलग से प्लेट्स, कलरफुल प्लेट्स, बोल्स, स्पून्स वगैरह ला सकते हैं स्मॉल साइज की, तो उससे भी बच्चा खाने में और ज्यादा इंकरेज होगा। ये सब अगर आप हैबिट्स आप यूज करेंगे तो उनके लिए उनकी ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव होंगी और वो खाने की तरफ थोड़ा ज्यादा उनका ध्यान रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि खाते टाइम उन्हें कभी भी फोन या टीवी आप ना देखने दें, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इतने 3 से 5 बच्चों के डाइट प्लान्स में डिस्कस करूंगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने बच्चों के न्यूट्रिएंट्स या डाइट को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू टेक एंड डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज। सो थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।